इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो वेजिटेबल्स है उसके जूलियंस कैसे कट करने हैं। तो ये बेसिकली क्या है, जो फाइन यानी कि बहुत ही पतली स्ट्रिप्स होती है या कट होते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि कैबेज के जूलियंस कैसे कट करना है। तो मैं आपको एक छोटा सा पीस लेता हूँ और आपको कट करके दिखाता हूँ कि आपको जूलियंस कैसे कट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा कैबेज का पीस ले लिया है कि जस्ट आपको दिखाने के लिए आपको जूलियंस कैसे कट करना है। जब भी आप कोई कट करें तो जो आपकी नाइफ की मूवमेंट है वो अपसाइड डाउन यानी कि जो नाइफ है वो ऊपर से नीचे आनी चाहिए। देख सकते हैं कि हम कैबेज को कैसे कट कर रहे हैं। ये जो बहुत ही फाइन स्ट्रिप्स होगी, इसे ही हम जूलियंस बोलते हैं, जो कि इंटरनेशनल टर्म है, यानी कि फाइन स्ट्रिप्स होती हैं, यानी आप इसे श्रेडिंग भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कैबेज है हमने उसे कट कर लिया और ये कितनी बारीक या फाइन स्ट्रिप्स है। जूलियन भी बहुत ही बारीक या फाइन ही होता है, तो आपको इसे अच्छे से कट कर लेना है। फिर जो है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैरेट्स के जूलियन कैसे बना सकते हैं। तो आपको ऐसे इसे स्ट्रिप्स में कट कर लेना है, उसे एक साथ अरेंज कर लेना है ताकि जब आप जूलियन कट करें तो सब एक साइज़ के हों। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कैसे अरेंज कर लिया है। अब हम उसी नाइफ की मूवमेंट से यानी कि जो अपसाइड डाउन है, उसी तरह से जो कैरेट है उसको कट करेंगे जूलियंस के शेप में। तो आप देख सकते हैं कि जो कैरेट हमने उसे कितना फाइन कर लिया है, इसे ही हम जूलियंस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कैप्सिकम होती है यानी कि जो शिमला मिर्च होती है, उसके कैसे जूलियंस कट करने हैं। तो अब हम इसे भी जूलियंस कट करना स्टार्ट करेंगे। तो उसी मोमेंट से आपको जो बहुत ही फाइन या जो बारीक है उस तरह से कट करना है। तो आप देख सकते हैं जूलियंस रेडी हो चुका है। आप इसे स्टर फ्राई वेजिटेबल्स या फ्राइड राइस या किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी दिखती है, फाइन स्ट्रिप्स जो होती है जिसे हम जूलियंस बोलते हैं।